मैंने एक पल्ली से जुगाड़ बनाया हुआ है। तो चलिए अंदर आते हैं, और यहाँ पर आप लोग देखिए, एक यहाँ पर एक दरवाजा भी मैंने बनाया हुआ है, और यहाँ पर ये बोर्ड है, तो यहाँ से हम लाइट को चालू करते हैं। और यहाँ पर एक यूट्यूब का लोगो है, इसमें जो है लगा देना है। तो यहाँ पर एक लकड़ी का बना हुआ, इसमें एक ट्यूबलाइट है, यहाँ पर एक कच्ची दीवालिया है, और यहाँ पर भी मैंने एक जुगाड़ से ट्यूबलाइट यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर आपको इसमें जो है लगा देना है, यहाँ पर जो है नहीं देखना है आपको माइक या कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं भी चाहता कि भाई मेरे पास जो है अच्छा खासा लाइट होता तब भी मैं वीडियो बनाता, तो भाई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर जुगाड़ सारा कुछ जुगाड़ ही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो है अपना पूरा सेटअप दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हम अपने वीडियो को शूट करते हैं। दोस्तों बहुत सारा जो है हमारे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा था कि भाई जो है आप अपनी जो है वीडियो को किस तरीके से शूट करते हो और कहाँ पर शूट करते हो। हमारे पास जो है अच्छा सेटअप नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत अच्छा सेटअप है। तो आज मैं आपको अपनी सच्चाई दिखाने वाला हूँ कि मैं कहाँ पर वीडियो को शूट करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ये कमरा देख रहे हो, एक कच्चे घर का एक कमरा है, मैं यहीं पर वीडियो शूट करता हूँ। यहाँ पर मैंने दोस्तों, आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर जो है मैंने एक पल्ली से जुगाड़ बनाया हुआ है। तो चलिए अंदर आते हैं, और यहाँ पर आप लोग देखिए, एक यहाँ पर एक दरवाज़ा भी मैंने बनाया हुआ है। तो आइए संतोष भाई, अंदर आइए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो है सेटअप है। तो संतोष आप जो है पूरा चारों तरफ पहले कैमरा कीजिए, पूरे चारों तरफ शो कीजिए यहाँ से। तो कमरे में थोड़ा जो है अंधेरा है, इसलिए मोबाइल का फ्लैश जलाना पड़ रहा है, और अभी लाइट भी चालू होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है कि कमरा जो है कुछ इस तरीके से है। तो चलिए अब हम पहले तो यहाँ पर लाइट चालू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो है तार का पूरा कनेक्शन हुआ है, और यहाँ पर ये बोर्ड है, तो यहाँ से हम लाइट को चालू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो कमरे का लाइट यहाँ पर चालू हो गया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, जो हमारा लाइट का सेटअप तो हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पर जमीन पर कुछ इस तरीके से है, बैठने लायक जो है नहीं है। तो यहाँ पर ये जो चटाई है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये चटाई है जो कि मुझे लगभग 150 रुपए का मिला था। और आप लोग मेरे वीडियो में जो है, फेस दिखाता हूँ, और आप लोग जो है मेरे वीडियो में देखते होंगे कि एक व्हाइट बोर्ड भी रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, एक व्हाइट बोर्ड भी जो है रखा हुआ है, बट ये दूसरे का है। तो चलिए पहले हम इसे जो है बिछा लेते हैं। तो चलो यहाँ पर आप लोग देखिए, नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर चटाई जो है पूरा का पूरा बिछ चुका है। और अभी जो है, अभी आप लोग यहाँ पर देखिए, चलो, और अभी यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं पूरा जो है एक सारा का सारा वीडियो बनाने का जो है सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, एक छिपकली भी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, पूरा का पूरा सिस्टम रखा हुआ है। यहाँ पर ये बोया का माइक भी रखा हुआ, जो कि मुझे, जो अभी बताऊंगा कितने का मिला था। यहाँ पर डायरी है, इसमें मैंने जो है सारा कुछ लिख के रखता हूँ कि कौन सा वीडियो जो है बनाना है। और यहाँ पर एक यूट्यूब का लोगो है, जो मैं यहाँ पर अभी सेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर जो है मैंने कीला लगाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जो है दीवार में कीला लगाया हुआ है, और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए टांग देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक जो यहाँ पर एक RGB जो एक लाइट है, तो हमें इसे जो है यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से रखते हैं, और यहाँ पर जो है, और यहाँ पर ये जो वायर है ना, वायर को यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देते हैं। और ये हमारा जो है यहाँ पर RGB लाइट, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से चल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो है ट्राईपोड, हमारे पास बहुत सारे ट्राईपोड है, तो कुछ खराब भी है कुछ अच्छा भी है। यहाँ पर जो ट्राईपोड है, यहाँ पर हम इसे इस तरीके से निकाल लेते हैं, और इसमें फंसाने के लिए हम इसका जो है इस्तेमाल करेंगे। और भी सारा है यहाँ पर, आप लोग देखिए, मेरे पास जो है बहुत सारा माउंट क्लिप भी है, तो हम किसी को भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक और फ़ोन है, और ये फ़ोन यूट्यूब के पैसों से ही है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हम जो है इसमें इसको जो है हम पहले तो सेट करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, कुछ इस तरीके से हम जो है सेट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें जो है लगा देना है। मैं आपको सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए किस तरीके से मैं अपने वीडियो को सेटअप करता हूँ, यानी कि वीडियो को जो है शूट करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा ट्राईपोड भी सेट हो गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अब बारी आती है, ये जो ट्राईपोड आप देख रहे हो ना, इसे किस तरीके से सेटअप करना है। तो इसे सेटअप करने के लिए यहाँ पर पहले हम इसे जो है निकाल लेते हैं, और यहाँ पर आप लोग देखिए, और ये जो ट्राईपोड आप लोग देख रहे हो, मैं जो भी सामान यूज करता हूँ अपने वीडियो को बनाने के लिए ना, उन सभी का जो है प्रोडक्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएगा, आप लोग इजीली परचेस कर पाओगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो ये है
इसे हम जो है पूरा का पूरा पहले इस तरीके से यहाँ पर टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद यहाँ पर मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ जितने पर मैं बैठ सकूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा जो ट्राईपोड है कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर माइक भी लगाना है, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ट्यूब लाइट है यहाँ पर किस तरीके से इसका सेटअप करना है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए पहला जो ट्यूबलाइट है यहाँ पर, पहला जो ट्यूबलाइट है यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने लकड़ी के सहारे से यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, और ये कच्ची दीवार है और यहाँ पर मैंने पक्की दीवार भी बनाई है छोटी छोटी। तो यहाँ पर एक लकड़ी का बना हुआ, इसमें एक ट्यूबलाइट है और यहाँ पर भी एक ट्यूबलाइट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लकड़ी के सहारे बनाया हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रहे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जहाँ पर आपको बैठना है उसके सामने से आपको जो है दो ट्यूबलाइट लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर एक कच्ची दीवार ये है और यहाँ पर भी मैंने एक जुगाड़ से ट्यूबलाइट यहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ट्यूबलाइट और लगाना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो शेडो आता है हमारे वीडियो में थोड़ा सा आता है, तो दो लगता यहाँ पर तो नहीं आता, लेकिन फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर जो शेडो होता है ना, यहाँ पर ये जो RGB लाइट मैंने लगाया हुआ है इसकी वजह से शेडो उतना जो है दिखाई नहीं देता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं माइक जो है कौन सा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर ये बोया का BY-M1 माइक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो है लोकल माइक बहुत ज़्यादा लोग खरीद लेते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। अगर आपको पता करना है कि ओरिजिनल माइक कौन सा है तो उस पर मैंने कम्प्लीट वीडियो बना दिया है, उसका रिव्यू भी है, तो आप लोग उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपके पास भी जो है ओरिजिनल माइक ही आए। यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं और उसे सेटअप भी करते हैं फोकस के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देखिए मैं माइक को जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंडेंसर है, और यहाँ पर आपको जब भी रिकॉर्डिंग चालू करना है इसे जो है स्मार्टफोन की तरफ को यहाँ पर नीचे लगा देना है। इसके अंदर एक बैटरी भी लगी होती है, यहाँ पर आप लोग जो है देख भी सकते हैं। तो फिलहाल जो है अगर आपको इसका फुल रिव्यू देखना है तो आपको जो है फुल वीडियो को देखना पड़ेगा। और इसकी कीमत की बात करें तो ये हमें 800 रुपये का जो है मिल गया था, आपको भी इजीली मिल जाएगा, और इसका प्राइस जो है अप डाउन होता रहता है। तो यहाँ पर हम इसे जो है ओपन कर लेते हैं वायर को, और ज़्यादा हम वायर को जो है ज़्यादा नहीं खोलेंगे, यहाँ पर थोड़ा ही ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से पहले तो आपको बैठ जाना है, और यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे फ़ोन में जो कैमरा चालू है, और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हमारा जो है बैकग्राउंड जो है एकदम पक्के घर में बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसके बाद जो ये क्लिप होता है माइक का, आपको यहाँ पर आपको इसमें जो है लगा देना है, यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए हमें, और यहाँ पर ये जो माइक है आपको इसे कॉलर में लगा लेना है। फिलहाल यहाँ पर टी शर्ट है तो इसमें दिक्कत हो रहा है, बट यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ले जाना है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लगाना है। फिलहाल यहाँ पर ये टी शर्ट है इसलिए दिक्कत कर रहा है, बट यहाँ पर अगर शर्ट होता तो उतना दिक्कत नहीं करता। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है ये टी शर्ट में लग गया है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, उसके बाद आपको सिंपली इस तरीके से बैठ जाना है, और आप अपने जो है जिस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो सिंपली आपको जो है उस टॉपिक को कवर करना है। और यहाँ पर एक बात और, इधर आइए संतोष भाई, यहाँ पर और एक बात मैं जो है क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जो देखते हैं ना वीडियो को बनाते हैं, और यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपको फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट नहीं करना है, बट मैं फ्रंट कैमरा से इसलिए शूट करता हूँ क्योंकि इसका जो है क्वालिटी तो अच्छी है, और यहाँ पर फ्रंट कैमरा से क्या होता है कि मुझे अकेले ही शूट करना पड़ता है, कोई शूट नहीं करता है इसलिए अकेले करना पड़ता है, तो मुझे पूरा दिखता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक गलती नहीं करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बहुत लोग जो है जैसे कि मान लीजिए हम वीडियो को जो है शूट कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ तो मेरा नज़र कहाँ रहेगा, बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पर अपने फेस को देखते हैं, यहाँ पर गलती क्या करते हैं वो अपने फेस को जो है देखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपने फेस को नहीं देखना है, आपको जानते हो कहाँ देखना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको देखना कहाँ है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर फोकस कीजिए मोबाइल स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है नहीं देखना है, यहाँ पर नहीं देखना, ये जो कैमरे का लेंस दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर गोल गोल, यहाँ पर आपको देखना है। बहुत लोगों के फ़ोन में यहाँ पर कैमरे का लेंस होता है तो वो लोग यहाँ पर देखेंगे, मेरे फ़ोन में कैमरे का लेंस यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर देखूंगा। घुमा फिरा के बात करें तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के केवल कैमरे के लेंस पर देखना है, आपको अपना चेहरा नहीं देखना है, नहीं तो जो लोग वीडियो देखेंगे ना उनको पता चलेगा कि भाई किससे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने कैमरे के जो है लेंस पर देखना है। तो यहाँ पर चलिए अब मैं आपको अपना पूरा जो है सेटअप दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए चटाई
कुछ इस तरीके से पड़ी है। और यहाँ पर देखिए आप लोग, पूरा का पूरा जो है यूट्यूब का सामान रखा हुआ है सब, ये नया ट्राईपोर्ट, ये जो है टेबल ट्राईपोर्ट सारा का सारा है। और ये एक रिमोट है, ये जो है आप लोग आरजीबी लाइट देखते हो ना, इसे कंट्रोल करने के लिए। फिलहाल चलिए साइड में रखते हैं। और यहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप मेरा कुछ इस तरीके से बिखर जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बना रहा हूँ ना, क्योंकि हमें ये जो सेटअप है पूरा का पूरा सेटअप हटाना है और हमें यहाँ पर कुछ नया सेटअप लगाना है। फिलहाल इसका वीडियो बाद में मिलेगा। और यहाँ पर चलिए ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर ये जो कभी कभी हम जो है इसको भी रख लेते हैं यहाँ पर, आप लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कभी कभी जो है रख लेते हैं समझाने के लिए। तो दोस्तों अभी जो है लाइट चली गई थी, तो लाइट चली गई अभी भी है, लेकिन एक छोटा कन्वर्टर से मैंने जो इसे जलाया हुआ है। और यहाँ पर ये आरजीबी लाइट 250 वाट की है, तो इसे मुझे हटाना पड़ा, नहीं तो जो अभी बैटरी उतर जाएगी। तो चलिए उसे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पर हटकर वीडियो बनाते हैं। उसमें आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा वीडियो इस समय शूट कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग कमेंट करोगे कि भाई वीडियो कौन शूट कर रहा है, तो हमारे घर के बगल हैं जो कि हमारे फ्रेंड हैं, तो वो जो है हमारे वीडियो को शूट कर रहे हैं और इस वीडियो में बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है संतोष एग्रीकल्चर के नाम से। वो यूट्यूब पर जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी कि खेती किसानी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है खेती किसानी से रिलेटेड वीडियो देखने में, वीडियो बहुत ही अच्छी बनाते हैं, हर तरह की नई नई जानकारियां भी देते हैं। अगर आप उनके चैनल को विजिट करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का जो है लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जो है अपना सेटअप दिखा दिया है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन ही मकसद था कि आपको मोटिवेट करना। बहुत लोग कहते थे कि हम गरीब हैं, हम जो है वीडियो नहीं बना पाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। तो भाई आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है, ये वीडियो देख रहे हो आपके पास एक स्मार्टफोन, जाहिर सी बात है इसका जो है हर एक स्मार्टफोन का माइक अच्छा होता है, आपको माइक या कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप जुगाड़ लगाओ बस। यहाँ पर मैं भी चाहता कि भाई मेरे पास जो है अच्छा खासा लाइट होता तब भी मैं वीडियो बनाता, तो भाई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर जुगाड़ सारा कुछ जुगाड़ ही है। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया है और उम्मीद है आप लोग जो है मोटिवेट हुए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।